इन द गिवन सर्किट डायग्राम E1 एंड E2, मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि दिखते रहे सेल कैसे लगे, आर 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट रिस्पेक्टिवली एंड रेजिस्टेंस इज R1 R2, ये R1 या R2 आ रहा, R1 2 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एंड इंडिकेटेड डायरेक्शन, ऑल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, को देख लेंगे बाद में, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, पहले करंट निकाल लेते हैं। हम देख रहे हैं सेल उल्टे लगे, सेल बड़ा कौन सा है, E1 E2 बड़ा है, सॉरी ये 4 वोल्ट है 2 वोल्ट है, तो E2 माइनस E1 डोमिनेट कौन करेगा, ये वाला सेल, क्योंकि ये बड़ा है तो करंट होगा एंटी क्लॉक वाइज। अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, दैट इज 4 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस R2 इज 2 प्लस 5, दैट इज 2 अपॉन 8, दैट इज 1/4 एम्पियर। और भूलना नहीं एंटी क्लॉक वाइज है, क्योंकि ये सेल जीत गया बड़ा है ये, तो इसके अकॉर्डिंग सेल में करंट, सर्किट में करंट चलेगा। अब हमको ए और बी के बीच में चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ये सेल बड़ा है तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो हम लिखेंगे वी ए बी इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ई कितना है 4 और आई कितना है 1/4 और आर कितना है, आर इज आर टू 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 ओम्स, कितना है 4 माइनस 1/2 दैट इज 7/2 एम वोल्ट, ये आ गया। अब हम बात करते हैं बिटवीन ए एंड सी, ए एंड बी तो हो गया, ए एंड सी कर लेते हैं, ए एंड सी देखें तो चार्ज हो रहा है, तो वी ए सी विल बी ई प्लस आई आर, इसको अगर हम ई टू बोल रहे हैं और इसको ई वन बोल लेते हैं, ठीक है, और इसको आर टू बोला था तो इसको आर वन बोल लेते हैं, तो ई वन कितना है 2 वोल्ट प्लस आई कितना आया है 1/4 और आर कितना है आर वन वन, तो यानी कि 4 × 2 = 8 प्लस 9/4 वोल्ट आ रहा है मेरा आंसर। सो 7/2 इज ए और बी के बीच में और 9/2 इज ए और सी के बीच में, दी आंसर इज कमिंग आउट टू बी।